तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी बेहतरीन हॉरर सुपरनेचुरल फिल्म को, जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है, जिसका नाम है टे दर्ड मूवी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। आपको एंड में जो ट्विस्ट मिलता है, जो असली पत्ते मिलते हैं, वह तो बहुत ही भयानक है, देखने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी की आवाज़ को सुन पाते हैं, जो कि अपने बेटे से कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी इस आवाज़ को सुनो, पर अगर तुम इस वॉइस नोट को सुन रहे हो तो मतलब तुम जंगल में रहने आ चुके हो। तुम्हारी माँ और मैं ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम दोनों शहर से दूर जंगल में रहेंगे, ताकि तुम वहाँ सेफ रह पाओ और तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक हो पाए, जो कि समय के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। जिसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है सोलोमन, और वह देख नहीं सकता था। सोलोमन अपने घर के बाहर बैठकर जार में कीड़ों को पकड़ रहा होता है, और तभी उसकी माँ निडिया उसे ये कहती है कि हमारे शिकार पर जाने का वक्त हो चुका है। यानी कि ये लोग जंगल में आ चुके थे, जो कि इसके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिसके बाद सोलोमन अपने शरीर में एक रस्सी को बांध लेता है, जिसका सिरा उसके घर से बंधा हुआ था, और यह इसलिए था ताकि सोलोमन सही सलामत बिना किसी मदद के अपने घर खुद से आ सके। खैर, यहाँ से दोनों जंगल की तरफ जाते, जहाँ पर हम देखते हैं कि निडिया ने पूरे जंगल में जानवरों के लिए कई सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे, जिससे कि उनके रोज के खाने का जुगाड़ हुआ करता था। डिया अब सोलोमन को एक स्टिक भी देती है और ट्रैप्स को चेक करने के लिए कहती है, ताकि सोलोमन को ये पता चल सके कि वो ट्रैप्स के नजदीक आ चुका है। इसलिए निडिया ने ट्रैप्स के ऊपर खाली कैन के बॉटल्स भी लगाए हुए थे, जिसको टच करने से उसको पता चल सकता था कि वो ट्रैप्स के नजदीक आ चुका है, और अब उसे संभल कर आगे बढ़ना होगा। अब आगे सोलोमन अपने स्टिक से ट्रैप्स को चेक करता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी ट्रैप्स ओपन रहते हैं और उनमें कोई भी जानवर नहीं फंसा था। लेकिन यहाँ पर इन्हें एक ट्रैप से एक बड़ा सा छुंदर मिल जाता है, जो कि अब इनका खाना बनने वाला था। अब घर पर निडिया सोलोमन को जानवरों से मीट निकालना और उन्हें सही तरीके से काटना भी सिखाती है, जिसके बाद डिया सोलोमन को जंगल की तरफ ले जाती है और उसे कुछ मीट का टुकड़ा जंगल में फेंक देने के लिए कहती है, जिस पर सोलोमन बिना किसी सवाल के ऐसा ही करता है और मीट का टुकड़ा जंगल की तरफ फेंक देता है। अब अगले दिन डिया सोलोमन को बताती है कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, और इसलिए आज हम फिशिंग करने जाएंगे और आज केक भी बनाएंगे, और इस चीज को सुनकर सोलोमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी समय तक कोई फिश नहीं मिलती, और इस वजह से सोलोमन वर्म्स को ढूंढने के लिए वहां से दूर चला जाता है, जहां पर ढूंढते हुए उसके हाथ में कुछ लोहे की चेनस आती हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चेनस हर जगह फैली हुई थी। तभी निडिया वहां पर आ जाती है और सोलोमन चेयर्स को छोड़कर निडिया को वो वर्म्स दिखाता है, जो कि उसने पकड़े थे, जिसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं। अब घर पर निडिया केक बनाती है, जिस पर लगी हुई कैंडल्स को सोलोमन ब्लो करता है और कुछ विश करता है। निडिया जब उससे उसकी विश के बारे में पूछती है, तो वह उसे बताने से मना कर देता है कि इससे विश पूरी नहीं होगी। खैर, कुछ ही देर के बाद में निडिया सोलोमन को एक बेबी गोट की कहानी सुना आती है, कि एक दिन बेबी गोट अपने घर से दूर चला गया था और उसके सामने एक मनस्टर आ गया। उस वक्त किसी तरह बेबी गोट ने अपनी जान बचाई और वापस घर लौट आया, जिसके बाद वह कभी घर से दूर नहीं जाता था। अब यहाँ पर निडिया की इस कहानी को बताने के पीछे एक मकसद था, कि सोलोमन अपने घर की इम्पोर्टेंस को समझे और कभी भी गलती से इस घर से दूर न चला जाए। जिसके बाद निडिया सोलोमन को सुलाकर घर से बाहर चली जाती है, जबकि उस वक्त बाहर बहुत ही खतरनाक बिजलियां गिर रही थीं, पर फिर भी निडिया जंगल की तरफ बढ़ती रहती है और हमेशा के लिए सोलोमन को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब हम कई सालों के बाद की कहानी देखते हैं, जहां पर यह लड़का सोलोमन बड़ा हो चुका है और निडिया अब तक वापस नहीं लौटती है। अब सोलोमन ज्यादा समय अपनी माँ की वॉइस टेप्स को सुनता रहता है, जिसके अंदर उसकी माँ ने उसे जंगल में रहने के सारे रूल्स बताए थे, जो कि 3 रूल्स थे। सोलोमन फिर जंगल में लगे हुए ट्रैप्स को चेक करने जाता है, और तब हम निडिया के वो 3 रूल्स को जान पाते हैं, जो कि उसने सोलोमन को बताए थे, ताकि वह जंगल में उसके बिना भी सरवाइव कर पाए। पहला रूल यह था कि जंगल को उसका खाना देना होगा, यानी कि जो भी खाना सोलोमन जंगल से लेकर आएगा, उसे उसका कुछ हिस्सा जंगल को वापस देना पड़ेगा। दूसरा रूल था कि जब भी सोलोमन निराश हो जाए या दुखी हो जाए, तो वो उस सॉन्ग को गाएगा जो कि वो और उसकी माँ मिलकर गाया करते थे। और तीसरा और फाइनल रूल ये था कि सोलोमन कभी भी घर से जुड़ी हुई रस्सी के बिना घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वही उसके घर लौटने का एकमात्र जरिया था। एब्सोलोमन बचपन से ही इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहा था, और आज भी वह हमेशा की तरह ट्रैप्स को चेक करने जाता है, जहां पर उसे ट्रैप से कोई जानवर नहीं मिलता, पर किसी तरह वह अपने लिए एक फिश पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर के बाद मेनसोलोमन अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि ये कैसी जिंदगी वो जी रहा है। तभी उसे जंगल की तरफ से लोहे के चेनस के घसीट की आवाज आती है, जैसे कि कोई उस चेन को मूव कर रहा हो, पर सोलोमन किसी वजह से जंगल में
चेक करने नहीं जाता। अब उसी रात सोते हुए उसे एक गोट की आवाज आती है, जैसे कि वह दर्द में हो। अब सोलोमन फिर नीचे जाकर देखता है तो उसको यह पता चलता है कि उसकी बकरी मर गई है। पर तभी हम ये देख पाते हैं कि गोट की डेड बॉडी को कोई तुरंत ही जंगल में खींच लेता है और सोलोमन को ऐसा फील होता है जैसे कि किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा। अब अगले दिन वह हमेशा की तरह खाने के लिए जंगल में ट्रैप्स को चेक करने जाता है, जहाँ पर आज भी सारे ट्रैप्स खाली थे। सोलोमन वहाँ पर निराश होकर बैठ जाता है। कितपी उसे कहीं से गोली चलने की आवाज आती है। जब वह उस तरफ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर हिरण मरे हुए दिखाई देते हैं। अब उसी वक्त उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, किव हिरण मेरा है, जिसके बाद वह आदमी सोलोमन के पास आने लगता है। अब वह खुद को बचाने के लिए एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन वो आदमी अपनी गन से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद जब सोलोमन की आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाता है और वह आदमी उसके सामने बैठा था। अब ऑब्वियस सी बात है, सोलोमन को दिखाई नहीं देता और इसी के चलते उसने चाकू निकाल लिया था। अब वह आदमी अपना नाम हैग बताता है और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, तुम रहते कहाँ पर हो? जिस पर सोलोमन उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे तक कैसे पहुँचे, जिस पर हैक उसको बताता है कि मैंने आते हुए तुम्हारे घर को देखा था, जहाँ पर लगे हुई रस्सी के जरिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अब हैक आगे ये कहता है कि अगर तुमको भी खाने के लिए चाहिए तो तुम इस डियर से कुछ खाने के लिए ले सकते हो, बस इसके बदले मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ऐसा हैक इसलिए कहता है क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी और उसे डर था कि वह जंगल में भटक न जाए और जंगली जानवर वहां पर हो सकते थे, तो यहां पर जान का भी खतरा था। जिस पर सोलोमन थोड़ा सोचता है और फिर मान जाता है क्योंकि उसके ट्रैप्स में कोई भी जानवर नहीं फंसा था, जिसके चलते उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। अब आगे हैक उसे उसका चाकू वापस कर देता है, जिसके बाद दोनों घर लौट आते हैं। अब घर पर हैक रात के लिए डिनर बनाने लगता है और साथ में सोलोमन के घर को भी चेक करता है, जहां पर उसे उसकी स्टोरी बुक मिलती है जो कि निडिया सोलोमन को बचपन में सुनाया करती थी। अब डिनर करते वक्त हैक सोलोमन से यह कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हारे पास अब ज्यादा खाने के रिसोर्सेस नहीं है, तो सुबह तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक सेफ और अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। पर यह सुनते ही सोलोमन इसके लिए सीधा मना कर देता है और इनडायरेक्टली कहता है कि मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। खैर खाना खाने की के बाद में दोनों सोने चले जाते हैं कि तभी अचानक से आधी रात में जंगल की तरफ से कई डरावनी और भयानक आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें इतनी तेज थी कि इससे दोनों की अचानक से नींद खुल जाती है, जिसके बाद हैक अपनी गन लेकर बाहर चेक करने जाता है, पर तब तक आवाजें रुक गई थी। अब हैक फिर घर में जाकर फ्लैशलाइट लेकर आता है ताकि वह जंगल में जाकर देख सके कि वहाँ पर हुआ क्या है, जिसके लिए सोलोमन उसको मना करता है, लेकिन हैक तब तक वहाँ से जा चुका था। अब आगे जंगल में हैक को एक मरा हुआ भालू दिखाई देता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ ही देर पहले किसी ने मारा है। अब उसी की तलाश में हैक थोड़ा आगे जाता है, जहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक फिगर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि दिखने में इंसान तो लग रहा था लेकिन वो इंसान था नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे भालू को इतनी बुरी तरह नहीं मार सकता था। अब हैक फिर उस फिगर को पॉइंट करते हुए वहां शूट करता है, जिसके अगले ही पल वो फिगर उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आने लगता है, जिसको देखकर हैक बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो भागते हुए घर लौट कर आता है। घर आकर हैक ये बात सोलोमन को बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस फिगर के बारे में या क्रीचर के बारे में कुछ पता है, जिस पर सोलोमन का कोई जवाब नहीं आता और वह डरा हुआ अकेले बैठा हुआ था। अब अगली सुबह हैक सोलोमन से फिर से वही सवाल पूछता है कि उस क्रीचर के बारे में उसे क्या पता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब हैक फिर सोलोमन से यह कहता है कि मैं तुम्हें मीट को प्रिजर्व करना सिखा सकता हूँ, जिससे कि तुम उसे लंबे समय तक खाने के लिए स्टोर कर पाओगे, जिसके लिए सोलोमन भी मान जाता है। अब हैंक फिर उससे कुछ आयरन की चेन्स मांगता है, क्योंकि उसे मीट प्रिजर्व करने के लिए होकर बनाना था। वैसे तो सोलोमन के घर में आयरन चेन्स नहीं थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बचपन में उसे जंगल में एक जगह पर लंबी आयरन चेन्स मिली थी। अब सोलोमन ये बात हैक को बता देता है, जिसके बाद दोनों ही उस चेन्स को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो चेन्स मिल भी जाती है। हैक फिर उस चेन को फॉलो करते हुए आगे जाता है और सोलोमन से ये कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, जिस पर वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि सोलोमन से बंधी हुई रस्सी उस पॉइंट से आगे नहीं जा सकती थी, यानी कि ये सारी चीजें सोची समझी थी हैक। फिर उस चेन को फॉलो करते हुए कुछ ही दूरी पर जाता है और जितना चेन उसे चाहिए था वो उतना काट लेता है। अब घर लौटने के बाद में सोलोमन मरे हुए डियर के मीट में से कुछ टुकड़ा काट कर जंगल की तरफ हमेशा की तरह फेंक देता है, जिसको हैक देख लेता है और वह काफी ज्यादा क्यूरियस होता है और इसके बारे में पूछता है कि इसका रीजन क्या है, जिस पर सोलोमन कहता है कि मैं दो जनों के लिए खाना ढूंढता हूँ, खुद के लिए और जंगल के लिए। अब हैक इसके जवाब में सोलोमन से यह कहता है कि शायद इसी की वजह से रात में कई जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं, जो कि तुम्हारे लिए अनसेफ है और उससे भी
ज्यादा भयानक है जो कि उसने कल रात को देखा, जो कि वह क्रीचर था जिसने अकेले ही एक भालू तक को मार दिया। और हैंक का इस बात पर यह कहना था कि उस क्रीचर को खाना देने के बजाय उसे अपने ट्रैप में पकड़ने की सोचनी चाहिए। और सोलोमन को भी यह बात सही लगती है और वो हैंक से पूछता है कि तुम मेरी इसमें कैसे मदद कर सकते हो। जिसके बाद अगले ही सीन में हैंक सोलोमन की रस्सी के आगे कुछ कपड़े बांधकर उसे और बड़ा कर देता है, जिससे कि वो अपने घर से और दूसरी जगह पर जा पाए। अब आगे दोनों जंगल की तरफ उस क्रीचर को ढूंढने जाते हैं, जहां पर बीच रास्ते में ही सोलोमन एक जगह फिसल जाता है और उसे कोई पीछे खींचने लगता है। और इस तरह से सोलोमन को कोई क्रीचर दूरी तक घसीट रहता है और हैंक उसे बचाने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। अब फाइनली एक जगह पर आकर सोलोमन रुक जाता है और हैंक फैसला करता है कि वो लोग घर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं थी। खैर, अब घर पर हैंक को नीडिया की डायरी मिलती है, जो कि उसने तब लिखनी शुरू करी थी जब सोलोमन 4 साल का था। हैंक सोलोमन से उसे पढ़ने की इजाजत मांगता है, जिसके बाद वह सोलोमन के लिए उस डायरी को रीड करने लगता है। उसके अंदर लिखी हुई सभी बातें नॉर्मल ही थी, पर उसके आखिरी पेज पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसके बारे में सोलोमन को कोई आइडिया ही नहीं था। आखिरी पेज पर सोलोमन की माँ और उसके डैड के बीच हुए झगड़े के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से सोलोमन के डैड उसे उसकी मॉम से दूर अपने साथ रखना चाहते थे। निडिया सोलोमन को बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी, जिस वजह से उसने सोलोमन के साथ जंगल में यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया था। अब हैंक आखिरी पेज पर लिखी हुई कोई बात सोलोमन को नहीं बताता और उसे जाकर सोने के लिए कहता है। अब सोलोमन के वहाँ से जाने के कुछ घंटों के बाद हैंक एक बड़ा सा ट्रैप लेकर जंगल की तरफ चला जाता है, ताकि वह उस क्रीचर को मार सके जो कि उन्हें परेशान कर रहा था। अब उसी खोज में हैंक एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, और वहीं से कुछ ही दूरी पर लकड़ियाँ और पेड़ से बना हुआ टेंट भी होता है। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे जानवर कहाँ जा रहे थे। अब हैंक जब उस टेंट के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक नोटबुक मिलती है, जिस पर एक ही चीज हर पेज पर लिखी थी, आई एम सॉरी। दूसरी तरफ सोलोमन हैंक को ढूंढता हुआ उसको आवाज लगाता है, लेकिन उसे हैंक वहाँ नहीं मिलता। अब वह फिर अपनी माँ की ऑडियो टेप को सुनने लगता है और तभी उसे जंगल से गोली चलने की आवाज आती है। सोलोमन फिर जंगल में जाता है, जहाँ पर उसे हैक की डेड बॉडी महसूस होती है। और फिर हमें मूवी का सबसे शॉकिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम निडिया को अपने बेटे सोलोमन के सामने खड़ा देख पाते हैं। जी हाँ, जो कि लगभग किसी जानवर में बदल चुकी थी। अब निडिया सोलोमन को देखते ही उसकी तरफ हमला करने के मन से भागने लगती है, पर उसके पैरों में लगी हुई आयरन चेनस हैंक के ट्रैप में फंस जाती है, जिससे कि वो वहीं पर रुक जाती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि आयरन चेन्स किस लिए थी, यानी कि ये उसके खुद के लिए थी। अब सोलोमन वहाँ पर डर में खड़ा हुआ उसी सॉन्ग को गाने लगता है, जिसको सुनते ही निडिया काफी बदल जाती है, जैसे कि उसे याद आ रहा था कि सोलोमन उसका बेटा है। और उस वक्त सोलोमन भी समझ जाता है कि उसके सामने उसकी माँ है। अब निडिया उस चेन को तोड़ देती है और जाकर अपने बेटे को गले लगा लेती है, पर सोलोमन अपने हाथ में रखे हुए चाकू से अपनी ही माँ निडिया को कई बार स्टैब करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम सोलोमन की भी तबीयत खराब होते हुए देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि निडिया की तबीयत खराब हो रही थी। जिसके बाद अचानक से ही सोलोमन की आंखें खुलती हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि वह अब देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल निडिया की तरह बदल चुकी थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपको एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी और आपके दिमाग में काफी सारे सवाल भी आ रहे होंगे, तो मैं इसकी एक समरी आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए, निडिया को किसी तरह का कर्ज था या फिर उसके खानदान में ऐसा कुछ था, तभी उसके पिता यहाँ पर अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते थे, जिस वजह से वो एक क्रीचर में बदल रही थी। और जब यह बात सोलोमन के डैड को पता चली तो उन्होंने सोलोमन को उससे अलग करने की कोशिश करी, लेकिन निडिया सोलोमन को अपने साथ जंगल ले आई। अब मूवी के अंदर हमको यह नहीं बताया गया है कि सोलोमन के डैड का क्या हुआ, तो मेरे हिसाब से निडिया ने ही उनको मार दिया होगा, क्योंकि वो सोलोमन को उससे अलग कर रहे थे। या फिर हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर निडिया के साथ हुआ, ऐसे ही यहाँ पर सोलोमन के डैड के साथ हुआ होगा, वो भी एक भयानक क्रीचर में कन्वर्ट हो गए होंगे और यहाँ पर निडिया उनको ही खाना फेंक थी, ताकि वो क्रीचर में कन्वर्ट होकर इन दोनों पे हमला ना करें। अब एवेंजर ने उनको मार दिया तो ये कर्स निडिया के ऊपर आ गया था, और फिर निडिया ने ये सारी चीजें अपने बेटे को सिखाई कि उसे जंगल के अंदर खाना डालना पड़ेगा, ताकि वो अपने बेटे को ही ना मारते। एंड अप सेम चीज यहाँ पर उसके बेटे ने कर दी अपनी माँ के साथ में। तो ओबवियस सी बात है कि यहाँ पर अब ये सब सोलोमन के साथ भी होगा, लेकिन अब उसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि अब वह आजाद पंछी की तरह या फिर आजाद ईविल की तरह इस जंगल में घूमेगा। एंड बात करें निडिया के बारे में, तो उसको सारा सच पता था, इस कर्ष के बारे में पता था कि भी अब एक भयानक जानवर में बदलने वाली है, इसलिए उसने सोलोमन को जंगल के बाकी जानवरों से और खुद से सुरक्षित रखने के
क्रीचर में बदल जाएगा एंड ऑब्वियस सी बात है, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टादर्ड फिल्म अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू फॉर वॉच।